हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और साइबर अवेयरनेस के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरसेस और मालवेयर्स के बारे में, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स और ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके और आपके कंप्यूटर को बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हैं। तो हम उनके बारे में ब्रीफली पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस टाइप्स के होते हैं, क्या है और हमें इन इन चीजों को किस किस नाम से जानते हैं। तो हम इतने जिस भी चीजों को जानते हैं, हम लोग इससे कहते हैं मैलेशियस कोड्स। तो मैलेशियस कोड्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जिसके अंदर हम कुछ ऐसा कोड एंटर करते हैं जो कि आपके सिस्टम को या आपके एप्लीकेशंस को या आपके सिक्योरिटी को या तो आपके पोर्ट्स को किसी भी तरीके से हार्म कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं हैकर्स अपने प्रॉफिट के लिए। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इन सभी मैलेशियस कोड्स को कहा क्या जाता है। तो इन जितने भी टाइप के मैलेशियस कोड्स हैं या जो भी चीजें हैं, इन्हें हम कहते हैं मालवेयर। तो मालवेयर एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं जो मलेशियस कोड कंटेन करता हो। तो मलेशियस कोड जो कंटेन करता है वो किसी भी चीज से हम लोगों को एक्सेस कर सकता है, किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को, किसी डेटा को, जिसको यूज करके हैकर या कोई भी बंदा अपनी प्रॉफिट के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो हम जानते हैं कि मैलवेयर जो है किस किस टाइप्स के होते हैं, और हम बेसिकली हम कॉमन टाइप्स की बात करेंगे। अजय, तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बट हम आज बात करेंगे कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में जिनके बारे में शायद ज्यादा नाम आपने सुना भी होगा या तो कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे बच कैसे सकते हैं, इनके उपाय भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो सभी चीजें जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसे हम किस किस नाम से और क्या क्या चीजों से जानते हैं। तो एक इसका जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं वायरस। दूसरा जो होता है वॉर्म, उसके बाद होता है स्पाइवेयर, और होता है एडवेयर। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि इसके अंदर ही डिवाइड हो जाते हैं और अदर से भी हैं। जैसे इसके अंदर आप जाएंगे तो ट्रोजन हो जाते हैं और उसके अंदर रैंसमवेयर हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं मैं, तो हम जानते हैं कि वायरस क्या होता है। कि वायरस जो है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे हम जब रन करते हैं तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट करने का मतलब कि अपनी कॉपीज, वो अपने आप को डुप्लीकेट कॉपीज बना सकता है, और जो वायरस की जो फाइल होती है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाती है। मतलब कि अगर आपके पेन ड्राइव या किसी जगह से वायरसेस हैं, अगर आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। जो भी उसका एक्शन हो, मान के चलिए उसका एक्शन है डेटा कलेक्ट करना, डेटा हार्म करना, डेटा लॉस करना या आपकी किसी फाइल को डिलीट करना, तो वो सारी चीजें कर सकता है। लेकिन इस जो वायरस जो होता है, ये जो मालवेयर होता है, इसको हम लोगों को यूजर को रन करना होता है। यानी कि अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो उसको एक्टिवेट कौन करेगा? आपके थ्रू ही होगा। चाहे वो किसी गाने की फाइल में हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको उसको डबल क्लिक करके या तो किसी भी तरीके से आपको उसको रन कराना होगा पहली बार, या तो ऑटो रन प्रोग्राम्स आजकल पेन ड्राइव्स में आते हैं जिसके कारण वो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। तो वायरसेस को यूजर के थ्रू रनिंग, चाहे वो ऑटो रन के थ्रू हो या कहीं से हो, तो एक बार यूजर जब रन करता है तो वायरसेस की प्रॉपर्टी होती है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, फिर वो अपना जो भी एक्शन है परफॉर्म करेगा। उसी के अंदर है ट्रोजन वायरस और रैंसमवेयर। रैंसमवेयर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बीच में एटीएम के केस में बहुत ज्यादा ये फैला था कि एटीएम में सारे वायरसेस आ गए हैं। जो मोस्ट ऑफ दी एटीएम थे इंडिया में, वो जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहा था वो था एक्सपी, विंडोज एक्सपी। तो एक्सपी जो सॉफ्टवेयर था वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल था, उसमें वायरसेस बहुत जल्दी आ सकते थे और उसके कुछ पोर्ट्स जो थे। तो रैंसमवेयर क्या करता था कि वो एक्सपी में अटैक करके उनकी जो सिस्टम से उनकी जो चीजें हैं उनको आराम से हैक कर पा रहा था। तो इसलिए वो अभी क्या किया, जो रैंसमवेयर का जो प्रॉब्लम है वो रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो उसकी सिक्योरिटी तो इंक्रीज की गई, और एक्सपी जितने भी सिस्टम में थे, उन जितने भी एटीएम मशीन में थे, उनको हटा दिया गया, और उसके जगह फिर बाद में विंडोज 7 डाला गया। ठीक है, तो विंडोज 7 और बाकी चीजें डाली गई। तो हम बात करते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स एक ऐसा वायरस या एक ऐसा मालवेयर होता है जिसको यूजर का रन कराने की जरूरत नहीं पड़ता है। यानी कि ये जो वॉर्म होता है ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज बढ़ा सकता है और अपने आप ही लॉस कर देगा। मतलब कि अगर आपके सिस्टम में कहीं से वॉर्म आ जाता है तो वो आपके सिस्टम को पूरा बर्बाद कर देगा, आपको कहीं से क्लिक करने की जरूरत नहीं है।
जबकि वायरस के केस में क्या होता है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो फर्जी है, पायरेटेड है, आपने उसको क्रैक पैच करने की कोशिश किया है, तो जैसे ही आप उसको रन करने की कोशिश करेंगे वो आपके सिस्टम में अटैक करेगा। बट वॉर्म के केस में ऐसा नहीं है, वॉर्म आपके सिस्टम में कहीं से भी आया तो वो आपके सिस्टम को सीधा ऑटोमेटिकली खुद से ही बर्बाद करने के लिए काफी है। अब आते हैं स्पाईवेयर और एडवेयर। तो मोस्टली क्या हो रहा था कि इन सब चीजों से ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा था वायरसेस और वॉर्म से हैकर्स को। तो वायरसेस से जैसे कुछ कुछ वायरसेस से फायदा मिला था, बट ये जो है किसी को हार्म करने के लिए बेस्ट था। ठीक है, ये जो बेसिकली है इससे हम हार्म करने के लिए ये ज्यादा बेस्ट था। बट जब अर्निंग की बात होती है कि आप कैसे किसी के सिस्टम से अर्न कर सकते हैं, जैसे कि एक वीडियो में मैंने बॉटनेट के बारे में बताया था, आप उसको जैसे बॉटनेट के बारे में कि ज्यादातर सिस्टम को बॉट्स बना के हम उसका यूज करेंगे अपने अर्निंग के लिए, तो उसी टाइप की चीजें हैं बेसिकली ये। तो स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या करता है, स्पाईवेयर में एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या एक ऐसा मालवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को स्पाई कर सकता है। स्पाई करने का मतलब ये हो गया कि एक जो प्रोग्राम है वो आपके सिस्टम में एक बार ये जो मालवेयर या जो मेलेशियस कोड है आ गया, तो आप क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या वीडियो देख रहे हैं, आपके कंप्यूटर में क्या फाइल्स है, क्या क्या चीजें हैं, है ना, और आपके कंप्यूटर्स के थ्रू और भी कुछ काम करवाना, एक्सेस करवाना, तो वो जो प्रोग्राम करवाता है उसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। अब उसके बाद आते हैं एडवेयर। तो एडवेयर जो है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को कोई भी लॉस नहीं पहुंचाता है। मतलब इस प्रोग्राम से आपको कोई लॉस नहीं है, लेकिन हैकर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। जानते कैसे? एडवेयर, जैसे कि नाम ही बता रहा है एड, जैसे इसमें स्पाईवेयर था तो स्पाईवेयर स्पाई करने के लिए यूज होता है, वैसे ही एडवेयर एड्स दिखाने के लिए यूज होते हैं। तो एडवेयर जिस सिस्टम में रहता है, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे सिस्टम में एडवेयर आ गए थे। तो एडवेयर आने से क्या हुआ था कि मेरे सिस्टम में जब भी मैं ब्राउजर ओपन करता था, क्रोम या कोई भी, तो उस ब्राउजर में एक नया टैब अपने आप खुल जाता था और उस टैब में बहुत सारे एड्स होते थे। तो एडवेयर क्या करता है कि एक टैब में खोल के बहुत सारे, या टैब में, या डायरेक्टली, या किसी भी माध्यम से आपके सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग एड्स खोलता है। तो क्या होगा कि वो एड्स जिसके भी आईडी से शो हो रहे होंगे, तो मेरे एड्स देखने से जिसका भी, जिसने वो एडवेयर बनाया होगा उसको वो पैसे मिलेंगे। तो एड्स के देखने पे जैसे गूगल एडसेंस है वो पैसे प्रोवाइड करवाता है, तो उस टाइप की चीजें एडवेयर्स के थ्रू हो सकती है। तो आप इनसे बचे कैसे, सेफ कैसे रहें, तो जानते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं। तो पहले तो आप सभी ने सुना होगा कि वायरसेस के लिए एंटीवायरसेस आते हैं। तो आप सोचेंगे कि एंटीवायरसेस आते हैं तो फिर ये सारी चीजें फिर भी आती हैं। तो एंटीवायरसेस में भी कुछ एंटीवायरस अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं, कौन से यूज करना चाहिए कौन से नहीं। देखिए, ऐसा कोई बेस्ट कंपनी तो मैं नहीं कहूंगा कि ये कंपनी एकदम बेस्ट है, ये ऐसा है, बट कुछ एंटीवायरसेस हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं और सभी चीजों से आपको एक ही सॉफ्टवेयर में आपको पूरी चीजों से सेफ्टी दिला सकती है। जैसे वायरसेस के लिए एंटीवायरस आता है, स्पाईवेयर के लिए एंटी स्पाईवेयर आता है, एडवेयर के लिए एंटी एडवेयर आता है, मालवेयर के लिए एंटी मालवेयर आता है, बट इतने सारे सॉफ्टवेयर सिर्फ कौन अलग अलग डालेगा और क्यों? तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप एक अच्छा सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डालें। जैसे कि आप देखेंगे वायरसेस में या एंटीवायरसेस जब आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज में आते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं हम देख लेते हैं। जैसे कि एक आता है नॉर्मल आपका एंटीवायरस, फिर आपका आता है इंटरनेट सिक्योरिटी। किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी एंटीवायरस आप लीजिए, उसके दो तीन तीन कैटेगरी बेसिकली होते जरूर है। और एक आता है टोटल सिक्योरिटी। तो ये जो एंटीवायरस जो नॉर्मल वर्जन होता है किसी भी का, वो सिर्फ आपको वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। इंटरनेट जो सिक्योरिटी होती है वो आपको वॉर्म्स और कुछ कुछ एडवाइस से प्रोटेक्ट कर सकता है, और टोटल सिक्योरिटी आपको सारे टाइप के जो मेलेशियस कोड्स हैं, यानी जितने भी टाइप के मालवेयर हो गए, उन सब से आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। इसके अलावा अलग से मालवेयर के सॉफ्टवेयर भी आते हैं और बहुत सारी चीजें आते हैं, बट ये सब आते कहाँ से हैं बेसिकली? तो ये सब आने का जो मेन सोर्स होता है, वैसे तो बहुत सारे, आप किसी से गाना ले रहे हैं, किसी कंप्यूटर में ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो ठीक है, वहां से आप पेनड्राइव इंसर्ट किए इन्फेक्टेड सिस्टम में, फिर अपने सिस्टम में गए, तो वहां से वो अपने आप को रेप्लीकेट कर सकते हैं, वो वॉर्म्स होते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो आ रहे हैं वो आते हैं इंटरनेट से। तो इंटरनेट से कैसे आ रहा है, आप जब भी फ्री चीजें खोजने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक वीडियो मैंने बताया था कि जो फ्री चीजें होती हैं, जो पायरेटेड चीजें होती हैं, वो वायरसेस के साथ ही आती है। और जब भी आप कोई साइट खोलते हैं तो आप ध्यान रखिए कि जो एक ब्राउजर होता है, जैसे ये एक ब्राउजर का विंडो है मान लीजिए, तो ये जो यूआरएल टैब होता है, इस यूआरएल टैब में यहाँ पे कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का लॉक होता है,
ना लॉक का साइन होता है, लॉक का साइन कुछ इस टाइप का होगा आपका, है ना। तो ये इस टाइप का कुछ लॉक का साइन होगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पे लेफ्ट में लॉक का साइन है, मतलब वो सिक्योर साइट है। वहां पे आपका इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी का टेक्निक यूज हुआ, जिससे आपको वायरसेस और बाकी चीजों का टेंशन नहीं होगा। तो इन टाइप की साइट्स को हम कहते हैं SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है उसके पास, है ना, जिससे कि आपके जो डेटा है उनके पास सेफ है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, तो बेस्ट तरीका कि आप जेन्युइन चीजें यूज करें, अच्छा एक टोटल सिक्योरिटी या कोई अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करें। और इसके साथ ही साथ आप जितना ज्यादा हो सके जेन्युइन चीजें, मतलब फर्जी चीजें यूज ना करें, फ्री की चीजें यूज ना करें। फ्री की चीजें यूज करते हैं तो फ्रीवेयर या ओपन सोर्स यूज करें, जैसा मैंने बताया था। और साथ ही साथ जो भी चीज हो सके, है ना, मैं कहूंगा कि जो भी चीज हो सके आप जितनी चीजें यूज करने की कोशिश करेंगे, तो जो भी क्रिएटर होता है तो क्रिएटर ने बहुत मेहनत की होती है, आप कोशिश करिए पेड वर्जन भी लेने का। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।